अयोध्यारे एबे गली गलीरे चलेछि दीपोत्सव। टाइम्स ऑफ इंडिया पक्षरो आयोजित कार्यक्रम डिवाइन अयोध्यारे एहा कहिछन्ते उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी कहिछन्ते अयोध्यारे होम स्टे आरंभ करबाकु एबे सुधा 1000 लोकंक आवेदन आसिछि। होम स्टे जरियारे लोकमानंक मध्यरे केवल जे भाव विनिमय बढ़िबो ताहा नुहे, अनेक लोकंक पई एहा जीविकार साधन हेबो बोली कहिछन्ते योगी। वर्तमान रो अयोध्यारे कर्फ्यू रे नुहे, भगवान रामंक नाम संकीर्तन रे गुंजरित होउछि। नुआ अयोध्या केवल नाविक नुहे, टैक्सी चालक एवं ई रिक्सा चालक नुहंते, समस्तंक पई असीम संभावना आनिथिबा कहिछन्ते योगी। कि होटल, धर्मशालाओं के अलावा टेंट सिटी में आने वाले श्रद्धालुओं को भी बसाने की तैयारी चली गई, लेकिन क्या होम स्टे के लिए भी हमने कुछ किया? यानी आश्चर्य करेंगे, 1000 लोगों ने अब तक आवेदन किया है कि हम होम स्टे के लिए तैयार हैं और हमारे यहां इस प्रकार की सुविधाएं हम देंगे। आप सोचिए, होम स्टे अयोध्या जैसी सिटी में लोग तैयार हो रहे हैं और होम स्टे के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके अतिथि देवो भव का भी और साथ साथ स्वयं की आजीविका को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। यानी अतिथि को ठहराने का भी, 24 घंटे रोकने का भी और भोजन की भी शुद्ध व्यवस्था अपने घर में देने की भी, और कुल 1000-1000 रुपए से 1500 रुपए के बीच में इस प्रकार की सुविधा अयोध्या में मिल जाएगी किसी भी व्यक्ति को वहां जाने के लिए। यानी यह अयोध्या के अंदर यह सुविधा आज के दिन पर इतने लोगों को अब तक वहां के लिए सुविधा हम उपलब्ध करवा चुके हैं। इसमें और वृद्धि होनी है क्योंकि अभी तो एक नई चीजें वहां पे चल रही है, अयोध्या के लिए सब नया था। अब नव निर्माण के जिस दौर से अयोध्या आगे बढ़ी है, वह तो मैं जानता हूं दोनों प्रकार के लोग आएंगे। एक श्रद्धा भाव के साथ आएंगे, कुछ लोग नई अयोध्या को देखने के भाव से पर्यटन की दृष्टि से आएंगे। हमें दोनों को ध्यान में रखकर के कार्य करना है और मैं कह सकता हूं आज की अयोध्या में लोगों की श्रद्धा और विश्वास का भी सम्मान होगा, पर्यटकों को भी उनकी रुचि के अनुरूप वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलेगा और उस वहां की पौराणिक और ऐतिहासिक परंपरा को देखने, समझने और जानने का अवसर भी प्राप्त होगा। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।